नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ व्रत में बनने वाली आलू की खास सब्जी, जिसे पूरी या परांठे के साथ व्रत में बनाकर सर्व कर सकते हैं। इस सब्जी को बनाकर इसकी आलू चाट भी बना सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू को उबालकर छीलकर बड़े पीसेज में काट लिया है। चौथाई कटोरी मूंगफली के कच्चे दाने लिए हैं, इन्हें दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। मूंगफली को ग्राइंड करके कटोरी में निकाल लिया है। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। यदि तेल नहीं खाते तो आप इसकी जगह घी का यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच क्रश किया हुआ धनिया और 2 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देते हैं। अब 3-4 चम्मच जितना मूंगफली का पाउडर डालकर भून लेते हैं। क्रश की हुई अदरक डालकर साथ ही भून लेते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल देते हैं। आलू डाल देते हैं। मिक्स करते हुए 4-5 मिनट आलू को भून लेते हैं। आलू अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेते हैं। दो तीन मिनट मसाले को पका लेते हैं। सब्जी तैयार हो गई है, गैस ऑफ कर देते हैं और सब्जी को बॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। लीजिए, हमारे व्रत वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार है। इसे बिना व्रत के भी बना सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।